हेलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों यहां पर आज ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट यहां पर आई है तो ये जो अपडेट है ये रहने वाली है आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड ये जो है ये अपडेट रहने वाली है तो कॉलेजों के पैंतीस विद्यार्थियों का और बढ़ा परीक्षा परिणाम का इंतज़ार तो क्या कारण है कि ये थोड़ा आपका रिज़ल्ट डिले भी अभी हो सकता है तो आपको पूरा यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों ऐसा तो है कि जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी तो रेगुलर लगी हुई है आपके रिज़ल्ट के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले बट अभी ऐसा है कि जो फिफ्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट है उसमें थोड़ी सी अड़चन जो है प्रॉब्लम आ गई है वो इसलिए कि जो लिखित जो रिटर्न थ्योरी के मार्क्स होते हैं वो तो उन्होंने पूरे कर लिए हैं अवार्ड्स होते हैं वो पूरे उन्होंने कर लिया है पूरा काम उनका हो गया बट जो छात्रों के स्टूडेंट्स के जो इंटरनल असेसमेंट होती है और प्रैक्टिकल के अवार्ड्स होते हैं वो अधूरे अधूरे हैं अभी तक तो उनके कारण जो है वो रिज़ल्ट तैयार करना मुश्किल हो रहा है मतलब अगर इंटरनल असेसमेंट और जो आपका प्रैक्टिकल अवार्ड्स हैं वो वहाँ पर पूरे नहीं हैं कुछ कॉलेजेस के मतलब कुछ कॉलेजेस ने अभी तक वो नहीं भेजे हैं इसके कारण आपका रिज़ल्ट जो है डिले हो रहा है और हो सकता है कि आपका डिले हो हो और भी हो तो आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चला हुआ था बट उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ने लगातार जो है काम किया है आपके रिज़ल्ट के ऊपर और इन्होंने जो है अवार्ड्स वहाँ पे पूरे किए हैं अवार्ड्स की एंट्री होती है वहाँ पे तो वो उन्होंने पूरी किए हैं बट अभी कॉलेजों में दस जून तक छुट्टियाँ हैं तो वहाँ से स्कूल कॉलेज से कैसे वो जो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वगैरह अवार्ड्स वगैरह कैसे मंगवाएं तो ये यह यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है और इसी कारण जो है आपका रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो सकता है ठीक है अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है ये बस न्यूज़पेपर में है आज भी बट हम सभी को पता कि ऐसा पॉसिबल है ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी हैं दस जून तक बट हाँ परीक्षा जो नियंत्रक हैं डॉक्टर जे भी कहा है कि कुछ कॉलेजों के प्रैक्टिकल के अवार्ड जो हैं नहीं मिले हैं वो अधूरे हैं तो उन कोर्जेज़ के हिसाब से जिनके जिन कॉलेज़ के, जिन के अभी बचे हुए होंगे अवार्ड्स उनको जो है रिमाइंडर भेजे जाएंगे रिमाइंडर भेजे जाएंगे और जो कॉलेज के टीचर होते हैं प्रिंसिपल होते हैं अगर वो सहयोग करें सहयोग करें तो छुट्टियां जो हैं ख़त्म होने से पहले आपका फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ सकता है ठीक है मतलब कि अगर जो कॉलेज प्रिंसिपल और टीचर्स अगर इसमें थोड़ा सहयोग दें अगर भेज दें वो अपना प्रैक्टिकल के अवार्ड्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट छुट्टियां ख़त्म होने से पहले आ जाए तो ये दोस्तों इसमें कहा गया है क्योंकि पैंतीस हज़ार से अधिक छात्र जो हैं इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं मुझे भी रोज़ यहाँ पर यही कमेंट आते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा तो पहले तो मैंने बोला था तक कि तीस तक बट अभी भी ऐसा नहीं है कि तीस से पहले नहीं आएगा हो सकता है कि आपका रिजल्ट तीस तक आ जाए ठीक है बट अभी डिले भी हो सकता है ठीक है मतलब छुट्टियाँ होने से पहले ये बोल तो रहे हैं कि हम निकाल देंगे वैसे आप तीस से पहले ही मान के चलो कि आ सकता है ठीक है क्योंकि अभी आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं लॉकडाउन की वजह से क्योंकि इसको कॉलेज भी बंद होंगे तो उनको भी थोड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकल अवार्ड कैसे मंगवाएं यूनिवर्सिटी को ये दिक्कत आ रही है इंटरनल असमेंट कैसे मंगवाएं ये भी वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है तो अभी देखते हैं वैसे उन्होंने कहा है कि छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि आ जाए ठीक है तो यही चीज़ दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक like, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू